नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक हेल्थ केयर मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में, हेल्थ केयर एक कंपनीज के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बात करूंगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत देखा जाए तो पॉजिटिव हूँ। तो क्यों पॉजिटिव हूँ, मैं कुछ आपको चीज यहाँ पे बताऊंगा, कुछ डेटा आपको बताऊंगा, जिसके कारण आपको इस कंपनी के ऊपर शायद थोड़ा सा भरोसा आ सकता है, तो फिर भी ना भी आ सकता है। तो आप एक बार स्टडी जरूर करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, आप में जितने सारे चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बेसिस से आप निवेश मत करिएगा। आप उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी खुद करिएगा, और उस स्टडी के बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम में आप इंटरडे काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्स हेल्थ केयर है, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में इस कंपनी का नाम बहुत जोर शोर से अभी बहुत सारे लोग जानने लग गया, क्योंकि कंपनी का मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी का जो सेटलमेंट जो प्रोसीडर है वो बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। टोटल अराउंड में एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में अराउंड अभी तक 35%, 30 से 35% तक लोगों ही के पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर उतना लोग फोकस नहीं कर अभी तक कर रहा है। फ्यूचर में इस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे कंपनी, जैसे चाइना, साथ ही साथ जापान, तो मतलब जितने सारे यूके, तो इस तरीके से कंपनीज के सॉरी इस तरीके से इंडस्ट्रीज के आप देखेंगे तो इस तरीके से कंट्रीज के जो हेल्थ इंश्योरेंस के लेने का जो परसेंटेज है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो उस कंपनी की जो स्पेशलिटी है, आप देख सकते हैं कंपनी की स्पेशलिटी किस किस के ऊपर है। तो कैंसर के ऊपर के कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कार्डियो सर्जरी, तो बहुत सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, तो इस तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट, तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब जो सबसे ज्यादा टफ देखा जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसी के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी का जो 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 प्रोडक्चर है तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कंपनी के बहुत सारे मैक्स का बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है, आप इसके फैसिलिटीज भी ले सकते हैं। तो और इसका रेटिंग भी आप देखिए किस तरीके से शानदार कस्टमर ने रेटिंग दिया, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर फैसिलिटी, अगर किसी ने रेटिंग दिया है, कस्टमर ने अगर रेटिंग दिया है, तो आप सोच लीजिए कंपनी के ऊपर आप एक भरोसा कर सकते हैं, वो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैक्स हेल्थ केयर का प्रोडक्ट खरीदारी कर लीजिए, मैं आपको कंपनी के शेयर के बारे में बता रहा हूँ। आपको शेयर के में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके ऊपर भी जानकारी लेना चाहिए। तो एक चीज भी और आपको दिखाना चाहूंगा, चलो वो ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का, देखिए एनुअली जो कंपनी जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बेसिस से कंपनी को रिटर्न मिला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसप्लांट्स जो है वो 860 प्लस है। यहाँ पे देखिए रोबोटिक सर्जरीज, मतलब अभी तक तो रोबोटिक सर्जरीज कंपनी ने किया अराउंड 1030 प्लस सर्जरीज किए है। और यहाँ पे देखिए जो कार्डिया जो प्रोड्यूसर है तो इसके ऊपर भी 39,400, जो न्यूरो सर्जरी है उसके ऊपर 8,400, तो ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी है वो 23,000। तो इस तरीके से बहुत सारे सर्जरी कंपनी कंपनी करते रहते हैं। तो इसके तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, लोग देखिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करेगा, क्योंकि उसको पहले देखना चाहिए, वो पहले देखेंगे कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस करूंगा वो कंपनी मुझे क्या फैसिलिटीज दे रहा है। तो इस तरीके से फैसिलिटीज कंपनी आपको दे चुके हैं और फ्यूचर में भी देने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में क्यों पॉजिटिव हूँ, देखिए मैं एक चीज सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ। देखिए हेल्थ इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। पहले नंबर कौन है, अपोलो हॉस्पिटल, जो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा अपोलो हॉस्पिटल में दम तो जरूर है, मगर कंपनी के अभी इतना दम है तो इसलिए कंपनी निफ्टी फिफ्टी के अंदर भी आपको देखने को मिल चुके हैं। सॉरी निफ्टी निफ्टी फिफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे इस कंपनी का नाम देखने को मिला है इसी साल। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिया था, मगर मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर कितना क्यों पॉजिटिव हो, चलो मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। देखिए अब जितने सारे कंपनीज के यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा कम डेप्थ ऑफ इक्विटी किसके पास है जानते हैं, मैक्स हेल्थ केयर के। मतलब इस कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत बहुत कम है। इस अराउंड कंपनी का जो इनकम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का जो टोटल इनकम है
अराउंड अराउंड आप 600 करोड़ तक कंपनी की इनकम है, मगर कंपनी की जो डेप्थ है आप देख सकते हैं 913 करोड़ है। आप कहेंगे सर इनकम के हिसाब से कंपनी का जो डेप्थ तो ज़्यादा है, बिल्कुल आपके बात सही है, मगर कंपनी का उतना ज़्यादा नहीं है कि कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि आप उस कंपनी के हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, मतलब आप कंपनी के एक ओनर भी बन चुके हैं। तो देखा जाए तो एक ओनर भी आप भी हैं, तो आप खुद तो वो कंपनी नहीं चला सकते, मगर वो कंपनी किस बेसिस से चला रहा है, जो मैनेजमेंट टीम है वो किस बेसिस से चला रहा है, उसको आपको देखना चाहिए और उसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, तभी एक आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे और अच्छा खासा कंपनी से रिटर्न भी आपको मिलेगा। देखिए कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, जैसे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। चलो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 1 रुपया मतलब कमाने के लिए कंपनी को 58 to 59 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा सा हाइक जरूर है। फिर भी देखिए बहुत सारे कंपनीज में आप देखेंगे तो 100, 200, 500 तक भी इसका पी रेशियो है, फिर भी वो कंपनी किस बेसिस से भाग रहा है, तो उसके बेसिस से आपको देखना ना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में जो कैश है अराउंड 200 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है, और कंपनी का टोटल जो कवरेज है, कंपनी के डेट जो डेटोस जो डे है वो 35 है, कंपनी के इन्वेंटरी डे जो है 24 डेज है, मतलब 24 डेज के अंदर कंपनी खुद का प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट्स जो है उसको तैयार कर रहे हैं, और 35 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा रहा है माल बेचने के बाद, मतलब माल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है तो उसके बेसिस से कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी के क्वार्टर बेसिस नहीं, मैं डायरेक्ट आपको ईयरली बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी अभी तक बीच बीच में तो कंपनी लॉस किया है, तो क्यों लॉस किया, चलो वो आपको दिखा देते हो। कंपनी का सेल्स देखिए, सेल्स देखिए किस तरीके से हुआ, तो सेल्स देखिए कंपनी ने यहाँ पे सेल्स हर साल में कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, हाँ मैं जरूर कहूँगा मेंटेन किया, मगर कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के तरह ही देखने को हो चुके हैं, और साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करना पड़ा, उसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो अराउंड 2 साल आपको लॉसेस देखने को मिला, 2-3 साल लॉसेस देखने को मिला, अभी कंपनी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। देखिए कुछ पॉजिटिव साइन जरूर है, कुछ नेगेटिव साइन भी है, आप सिर्फ यहाँ पर रिटर्न देखेंगे, चलो मैं मुझे 1 साल में 45% तक रिटर्न मिल गया तो मैं तो बहुत शानदार यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। कंपनी का एक चीज देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, परसेंटेज से एक बार देख लीजिए प्रॉफिट का ग्रोथ, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में इस तरीके से प्रॉफिट होना मतलब होता ही रहता है, मगर आप अपेलो शॉप के भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप इस तरीके से ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कंपनी की और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी का रिजर्व। तो कंपनी का रिजर्व जो है वो हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है, और वो भी शानदार, पहले 600 करोड़ का था, अभी वो बन चुके 5,300 करोड़ तक, और साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का जो कर्जा है वो अराउंड अराउंड अच्छी तरीके से कंपनी मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, पहले तो 800 करोड़ का कर्जा था, अभी 900 करोड़ तक है, बीच में तो 1,000 करोड़ तो भी क्रॉस कर चुके थे। तो कंपनी के और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी का इन्वेस्टर। देखिए अगर कंपनी में दम नहीं होता, अगर कंपनी में कुछ खासियत नहीं होता तो इन्वेस्टर, जैसे FIS के पास पहले 10% था, अभी कितना, अराउंड 15% तक होल्डिंग है। DS के पास जो पहले कुछ भी हिस्सेदारी नहीं था, ना के बराबर था, 1% से भी कम था, वो आज 17% तक होल्डिंग करके रखा है। आप कहेंगे सर चलो DS दिखा दीजिए कौन है, तो DS देखिए ज्यादातर आपको देखने को मिलता है LIC इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, मगर यहाँ पे LIC का कोई भी स्टेक नहीं है, हाँ स्टेक हो सकता है मगर 1% से कम है, तो इसलिए इसका नाम नहीं है। ज्यादातर आप देख सकते हैं SBI जो इक्विटी फंड है वो यहाँ पे निवेश करके रखा, HDFC आप सभी जानते हैं, SBI को भी और HDFC को, दोनों ग्रुप ही इंडिया के लीडिंग ग्रुप है, दोनों ने ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। साथ ही साथ आप FIS के बारे में बात करूँ तो FIS भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे FIS यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। तो कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड भी इसके ऊपर निवेश करके रखा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अगर पब्लिक ज़्यादा दिखता है तो आप उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दूरी रहे तो अच्छा है, अगर इंस्टीट्यूशन दिखता है तो आपको एक पॉजिटिव साइन जरूर मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है वो इसका मतलब कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, पॉसिबिलिटी होते हैं कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर भरोसा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश कर सकता है। आप
आप और हम कितना निवेश कर सकते हैं, चलो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, और इंस्टीट्यूशन करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका पैसा बहुत यहाँ पे फंसे रहते हैं। तो वो इस जरूर कोशिश करेंगे तो उसी कंपनी को निवेश करना जो फ्यूचर में उसका ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो टोटली अप 10 है, और कंपनी 52 वीक के आसपास है, 52 वीक के हाई के आसपास है, तो फिर से एक नया हाई बना सकते हैं और नया अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार आपको रैली दिखेगा। जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 100 के आसपास है, 100 आसपास था, अभी वो अराउंड अराउंड 300-400 के आसपास चल रहा है, मतलब आपको कंपनी चार गुना रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो अभी से कंपनी चार गुना आपको रिटर्न दिया, सोचिए फ्यूचर में और कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। आप टोटली जो वीडियो है वो टोटली वीडियो आपको एडुकेशन पर्पज में आपको बताया हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।